फाइजर के बाद अब सीरम ने भी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी। ऐसा करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी बनी। मोटोरोला के किफायती 5G स्मार्टफोन की भारत में पहली सेल आज। थम नहीं रहा ईंधन मूल्य में बढ़ोतरी का सिलसिला, आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का निधन, कोविड-19 की थी शिकार। दुल्हन के कोरोना पॉजिटिव परीक्षण के बाद राजस्थान में युगल ने पीपीई किट में बांधी गठबंधन। महाराष्ट्र में 15 साल पहले पड़ी थी प्राइवेट मार्केट और कलेक्शन सेंटर की नींव। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का आईपीओ इस महीने आने की उम्मीद। अब बिना हेलमेट के शहर में नहीं मिलेगा पेट्रोल, 8 दिसंबर से फरवरी तक के लिए लागू होंगे नियम। सुजुकी का इलेक्ट्रिक स्कूटर टेस्टिंग के दौरान आया नजर। कोरोना काल में बढ़ गया मेडिकल कचरे का खतरा, उचित निस्तारण का अभाव बढ़ा रहा है समस्या। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में छाया कोहरा। आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने और 25 करोड़ के मुआवजे की मांग पर एससी आज करेगी सुनवाई। सैमसंग गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन 6GB रैम के साथ हो सकता है लॉन्च। मीडिया महोत्सव स्पंदन हुआ संपन्न, टीआरपी की अंधी दौड़ में उठे सवाल। आंध्र प्रदेश में रहस्यमय बीमारी से लोग में दहशत, एक की मौत, 292 बीमार। बंगाल की छात्रा ने बनाया अनूठा चश्मा, इस चश्मे से बिना मोड़े देख सकते हैं पीछे का नजारा। सिकंदरा का कांच महल बड़ा रोचक है, इतिहास और दिलकश है कारीगरी। विरोध प्रदर्शन के नाम पर अनिश्चित काल के लिए नहीं बंद की जा सकती सड़क, पुलिस की जिम्मेदारी, खुलवाए रास्ता। झारखंड में है कई लुभाने वाले पिकनिक स्पॉट, यहां मनाए नए साल का जश्न। हवाएं दूषित होने से आंखों में जलन व सांसों में घुटन बढ़ी। स्वस्थ समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है दवा बैंक। अमेरिका के इस कठोर कदम से तल्ख हुए वाशिंगटन बीजिंग के रास्ते। चांद पर झंडा फहराने वाले दुनिया का दूसरा देश बना चीन, 51 साल बाद फिर रचा इतिहास। सड़क हादसों में 24% युवाओं की होती है हर साल मौत। ठंड के साथ वन जीवों की आहट, मलिहाबाद में दिखा तेंदुआ।